हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य जैन, सीए सीएससीएम एफएम का फैकल्टी। मैं आप लोगों को सीए फाइनल एसएफएम ओल्ड सिलेबस नवंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करवाना चाहता हूं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जिन्होंने नवंबर 18 का पेपर दिया है या जो आगे ओल्ड सिलेबस में पेपर देना चाहते हैं। तो सर, पेपर का जो स्ट्रेंथ था वो क्या था? पेपर का स्ट्रेंथ था कॉन्सेप्चुअल, पेपर वॉज कॉन्सेप्चुअल। और जिन्होंने क्लासेस ली है, जिन्होंने प्रॉपर कॉन्सेप्ट को समझा है, उनका पेपर डेफिनेटली बहुत अच्छा गया है। और जिन्होंने क्लासेस नहीं ली है या जिन्होंने बीच में ओल्ड सिलेबस में अमेंडमेंट्स भी आए थे, बहुत सारे रेक्टिफिकेशन और करेक्शंस भी आया था इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो जिन्होंने ओल्ड मटेरियल रेफर किया है, ओल्ड क्लासेस जिन्होंने रेफर किया है, उनका पेपर तो हॉरिबल गया होगा। तो दो तरह के स्टूडेंट्स हो गए, जिन्होंने लेटेस्ट मटेरियल पढ़ा, लेटेस्ट क्लासेस ली ओल्ड सिलेबस की, उनका पेपर बहुत अच्छा गया है। और जिन्होंने पुराने मटेरियल रेफर किए हैं, उनका पेपर अच्छा शायद नहीं गया होगा, बिकॉज उनको ये पेपर ईजी नहीं लगा होगा। तो इट वॉज ए ब्लेंड ऑफ कॉन्सेप्ट प्लस जो हमने क्लास में प्रैक्टिकल अप्रोच करवाते हैं स्टॉक मार्केट का, उससे भी कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन करने में मदद मिलती है। तो फ्रेंड्स, ओल्ड सिलेबस को लाइटली मत लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ओल्ड सिलेबस को लाइटली ले रहे थे इस तो सोच के कि भैया ओल्ड सिलेबस में अब कुछ अपडेशन नहीं आने वाला है तो पुरानी चीजें ही आएंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट ओल्ड सिलेबस ज्यादा ट्रिकी रहा न्यू सिलेबस के कंपैरेटिवली। तो ये सब जो सोचते हैं आप बिल्कुल हटा दीजिए। सीए में जो चीज आप सोच के जाते हैं वो बिल्कुल नहीं होता। तो ये सोच आप माइंड से हटा दीजिए। आपको अपनी तैयारी करनी है, लेटेस्ट मटेरियल लेटेस्ट क्लासेस के साथ आपको तैयारी करनी है, फाइन। तो जिन्होंने अभी भी क्लासेस नहीं लिया है और जिनका अटेम्प्ट आने वाला है, वो अभी भी अब टाइम वेस्ट मत कीजिए। पुराने मटेरियल को आप रेफर ना करें, आपको लेटेस्ट मटेरियल रेफर करना होगा, ठीक है। अब तो इंस्टीट्यूट ने भी अपने ओल्ड सिलेबस में अपडेशन शुरू कर दिया है करना। मैं आपको प्रूफ के तौर पर बता सकता हूं। आप देखिए सीए का ये वेबसाइट है और मैं ओल्ड सिलेबस में जा रहा हूं। देखिए 2018 अक्टूबर में रिवाइज्ड होना शुरू हो गया है, जो कि इन्होंने इधर उधर कहीं ना कहीं दिया था। ये ओल्ड सिलेबस का है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये न्यू सिलेबस का कहीं नहीं है। और न्यू सिलेबस वाले बच्चे ये वीडियो देखेगा भी नहीं, ये सिर्फ ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे जो ओल्ड सिलेबस में एग्जाम देना चाहते हैं या उन्होंने एग्जाम दे दिया है। तो ऑलरेडी रिवाइज्ड होना शुरू हो गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं तीन चैप्टर्स ऑलरेडी, तो हमने ऑलरेडी रिवाइज्ड ही पढ़ाया है। लीजिंग भी पूरा रिवाइज हो गया है। आप पुराना आप मटेरियल से पढ़ रहे हैं, पुरानी क्लासेस से पढ़ रहे हैं, वेस्टेज ऑफ टाइम है। टाइम तो चलो वेस्ट होता ही है, करियर भी वेस्ट होता है, ठीक है। तो एक बार हम ब्रीफ एनालिसिस करते हैं क्वेश्चन पेपर का। क्वेश्चन पेपर हमारे सामने है और अब हम इसकी ब्रीफ एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे बुक में, यह क्वेश्चन या तो मिसलेनियस में कवर होगा और किसी किसी बुक में ये बॉन्ड वैल्यूएशन में कवर होगा। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो हमने क्लास में कराया है। तो क्वेश्चन 1A वर्ड टू वर्ड सेम फ्रॉम आवर क्लास मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 1A वर्ड टू वर्ड सेम फ्रॉम आवर क्लास मटेरियल, वर्ड टू वर्ड सेम, ठीक है। तो जो बच्चा पूरा मटेरियल मेरा करके गया होगा उसे ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगा होगा। वर्ड टू वर्ड सेम कौन सा चैप्टर से है? ये बॉन्ड चैप्टर से है या किसी किसी मैंने बैच में इसे मिसलेनियस में भी कवर करवाया है, फाइन। तो क्वेश्चन 1A वुड हैव बीन वेरी इजी। और अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिले, अगर आपने मेरा मटेरियल रेफर किया है, मेरे क्लासेस ली है और उसके बावजूद भी आपको मेरा क्वेश्चन ये नहीं मिले, तो प्लीज मुझे मेल कीजिएगा, मैं आपको आपके मटेरियल से ये क्वेश्चन ढूंढ कर निकालूंगा। ये मेरा चैलेंज है, प्रोवाइडेड आपने मेरा लेटेस्ट मटेरियल यूज किया है और आपने पूरे क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिला तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा और मैं आपको आपके बुक से ही वो क्वेश्चन ढूंढ के निकालूंगा। आप मुझे सॉल्यूशन फॉर SFM @gmail.com में आप मुझे मैसेज कीजिएगा
कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं मिला, तो मैं डेफिनेटली आपको ढूंढ के आपको क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन का बात, सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरा क्वेश्चन अगेन एक सिंपल क्वेश्चन है, बायबैक का क्वेश्चन है, और ये सेम क्वेश्चन हम आपको क्लास में करवाते हैं, फिगर अलग है बट वर्ड टू वर्ड सेम है। ये बायबैक का क्वेश्चन है और ये भी आपको क्लास में कराया जाता है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी। क्वेश्चन नंबर 1B भी वर्ड टू वर्ड सेम, और ये क्वेश्चन बायबैक का क्वेश्चन है, शेयर बायबैक का क्वेश्चन है, और ये भी आपको कराया गया है या तो बायबैक चैप्टर में या तो मिसलेनियस चैप्टर में। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स आपको हमें मिसलेनियस में कवर कराते हैं, और बच्चा ये क्वेश्चन भी कर दिया होगा, इसमें उसको डिफिकल्टी भी नहीं लगा होगा। 1B आ गया। 1C अगेन, 1C वर्ड टू वर्ड सेम। आपको क्या कहूं मैं, आपको अपना अगर बुक अभी दिखाऊंगा तो आपको ये बिल्कुल भरोसा हो जाएगा कि सर वर्ड टू वर्ड सेम। मैं आपको ओल्ड सिलेबस का अगर मैं आपको यहां बुक दिखाऊंगा तो आप पाएंगे कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वर्ड टू वर्ड आपके बुक से सेम है, वर्ड टू वर्ड सेम। ये फॉरेक्स का क्वेश्चन है, मैं आपको अपना फॉरेक्स का मटेरियल निकाल रहा हूँ, ये मैं अपना बुक आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या सर सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। वर्ड मैं क्वेश्चन नंबर लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि अलग अलग बैच के अलग अलग क्वेश्चन नंबर होते हैं। ये क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड सेम है, मैं आपको क्वेश्चन ढूंढ के दे रहा हूँ, किस क्वेश्चन नंबर पे आपको ये मिलेगा, मैं आपको ढूंढ के ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए आ गया, क्वेश्चन भी मिल गया हमें बहुत जल्दी। आप देखिए, गेन और लॉस ड्यू टू एक्सपोर्ट बिल, ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 49 हमारे बुक का है, और ये बुक तो हमने काफी समय से इश्यू किया हुआ है, रेट ऑफ डिस्काउंट और करंट वैल्यू लॉस ऑफ एक्सपोर्ट बिल। आप मिला लीजिए क्वेश्चन, आप रेट ऑफ डिस्काउंट एंड लॉस ऑन एक्सपोर्ट बिल, आप मिला लीजिए क्वेश्चन, सेम टू सेम आपको क्वेश्चन मिलेगा, वर्ड टू वर्ड सेम है। क्वेश्चन नंबर बुक में हमारा है 49, हो सकता है किसी बुक में कोई अलग क्वेश्चन नंबर हो, तो आपको नहीं मिले तो डेफिनेटली हमें बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1C वर्ड टू वर्ड सेम, ये क्वेश्चन आपका फॉरेक्स का क्वेश्चन था। देखिए, हम अपनी गलती समझे तो बेटर रहेगा। देखिए, वैसे बुराई करने के लिए तो पूरी दुनिया ही बैठी है, ठीक है, तो हम अपनी गलती समझे कि हमने कितनी तैयारी की है। अगर आपने रिलीजियसली क्लास के मेटेरियल फॉलो किए हैं, अगर हमने लेटेस्ट मेटेरियल फॉलो किया है, तो आपको कोई दिक्कत हुई ही नहीं होगी इस पेपर में। ठीक है, आइए सर और हम देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर इसके एनालिसिस करके दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1D हमारे बुक में वर्ड टू वर्ड सेम नहीं था। ठीक है, ये एनएवी का क्वेश्चन था, म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन था, और इसके कॉन्सेप्ट हमने क्लास में किए हुए, तभी इंपॉर्टेंस होती है क्लास की। जब क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं मिलते हैं तो क्लास में पढ़ा हुआ आपको ध्यान रहता है, और क्लास के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपको ध्यान होते हैं। तो 1D हमारे बुक में वर्ड टू वर्ड सेम नहीं था, तो क्वेश्चन 1D हमारे बुक में वर्ड टू वर्ड सेम नहीं था, बट कॉन्सेप्ट कवर्ड इन क्लास, कॉन्सेप्ट कवर्ड इन क्लास, इसके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लास में कवर्ड थे, कवर्ड इन क्लास। ये म्यूचुअल फंड का आपका है, और ये जो टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट हमने क्लास में कवर किया था, दैट वाज एनएवी, कैपिटल गेन, डिविडेंड, ये सारा कॉन्सेप्ट हमने ऑलमोस्ट कवर किया था, एंट्री लोड वगैरह हमने कवर किया था। जस्ट आपको क्या करना था, इसमें आपको बैकवर्ड कैलकुलेशन करके आपको अमाउंट निकालना था ऑफ इन्वेस्टमेंट और एंट्री लोड निकालना था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2A में। 2A अगेन एक कैपिटल बजटिंग क्वेश्चन था, रिप्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन मेथड डिसीजन था, और इसके दो प्रपोजल थे, नॉर्मल 1 प्रपोजल और दूसरा प्रपोजल, और आपको अल्टरनेटिव सजेस्ट करना था, और इसमें रेंटल भी मिला दिया, तो लीज रेंटल का क्वेश्चन हो गया, सिंपल लीज रेंटल क्वेश्चन था ये, कुछ भी नहीं था, आपका लीजिंग का क्वेश्चन था। और इस तरह के क्वेश्चन हमने क्लास में कवर किए हैं, और डेफिनेटली ये क्वेश्चन भी आपको क्लास में मिलेगा, और इसमें भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत बच्चों को नहीं आया होगा। लेकिन आपका अगर क्लास में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2A कॉन्सेप्ट कवर्ड इन क्लास, ये लीजिंग का क्वेश्चन था, ठीक है, और अगर आप लीजिंग के सारे कॉन्सेप्ट जो हम क्लास में कराते हैं वो अच्छे से आपने किए होंगे तो आप कर चुके होंगे, तो आप समझ सकते हैं क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट का भी कितना इंपॉर्टेंस है, और स्टॉक मार्केट प्रैक्टिकल नॉलेज का भी कितना इंपॉर्टेंस है। आइए आगे बढ़ते हैं, और इसका पूरा एनालिसिस आपको चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, आप मुझे मेल कीजिएगा, डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे इसका जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन बनाने का। गवर्नमेंट स्कीम है, परचेस करना चाहता है,
और ये सारे आपके कॉस्टिंग बेस्ड ये सवाल उन्होंने पूछा है। अगेन 60 पैसेंजर्स है, ऑपरेटिंग कैपेसिटी 80% है, नंबर ऑफ ट्रिप 4 है, और ये सारा जो क्वेश्चन है ये बुक में डायरेक्ट कवर नहीं किया गया था, लेकिन अगेन इसके क्वेश्चंस कवर किए गए थे। मैनेजमेंट फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट पूछा जा रहा है, मतलब आपसे एनपीवी निकालना है, आपको एनपीवी पूछा जा रहा है, और एनपीवी आपको हम निकाल कर हर क्वेश्चन में देते हैं, प्लस इस तरह के सिमिलर क्वेश्चन हमने किए हैं। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर बी पार्ट बी, इसमें आपका वर्ड टू वर्ड सेम नहीं रहा, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट आपको कवर किए गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 2B कॉन्सेप्ट कवर्ड इन क्लास, ये कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा ये ट्रिकी रहा होगा क्वेश्चन उन बच्चों के लिए जिन्होंने सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन करके गए थे, जो कॉन्सेप्चुअली नहीं चल के गए थे, उनके लिए 2A और 2B ट्रिकी रहा होगा क्वेश्चन। 2A सिंपल रहा होगा, 2B ट्रिकी रहा होगा। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, 2A वॉज अ सिंपल लीजिंग क्वेश्चन, 2B थोड़ा ट्रिकी रहा होगा। बट एनीवेज थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 3A में। क्वेश्चन नंबर 3A में आते हैं, अगेन दिस क्वेश्चन इज वर्ड टू वर्ड सेम फ्रॉम आवर बुक, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का सवाल है, नॉर्मल बीटा का कैलकुलेशन आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका वर्ड टू वर्ड सेम है, वर्ड टू वर्ड सेम। क्वेश्चन नंबर 3A वर्ड टू वर्ड सेम क्वेश्चन है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, ठीक है, फाइन सर। नॉर्मल आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का आपका ये क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन भी हमने क्लास में किया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन था, और ये आराम से आप कर सकते होंगे अगर आपने मेरे बुक को फॉलो किया होगा। अगेन मैं आपको दिखा सकता हूँ वर्ड टू वर्ड हमारे बुक से सेम ये क्वेश्चन है, ठीक है। आइए पॉइंट नंबर बी में, अगेन ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये सेम क्वेश्चन हम क्लास में करते हैं इस तरह के क्वेश्चन। आपको पी रेशियो निकालना है ग्रोथ मॉडल यूज करके, और लॉन्ग टर्म ग्रोथ निकालना है करंट पी रेशियो यूज करके। तो वर्ड टू वर्ड तो सेम मैं नहीं बोलूंगा, बट अगेन इसके कॉन्सेप्ट कवर है। देखिए आप समझ सकते हैं कि जिसके जिसके कॉन्सेप्ट कवर्ड क्लास में है वो ऑब्वियस सी बात है, आपको जब क्लास आप करते हैं, आपको क्लास में इतनी सारी हम रजिस्टर निकालते हैं, 1000 पेज का मटेरियल हम आपको देते हैं क्लास में, वी गिव यू 1000 पेज रिटन मटेरियल, तो फॉर व्हाट सेक। अगर क्वेश्चन आंसर से बात बन जाता तो बात ही क्या होती। कॉन्सेप्ट कवर्ड इन क्लास, और अगेन ये क्वेश्चन डिविडेंड चैप्टर का है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा क्लास में, अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट किए हैं तो ये क्वेश्चन आपसे होगा, नहीं तो आपको डिफिकल्टी लगेगा। क्वेश्चन 4A वर्ड टू वर्ड सेम फ्रॉम आवर बुक, सेम क्वेश्चन हमारे बुक में कवर्ड है, एंड दिस क्वेश्चन इज वर्ड टू वर्ड सेम फ्रॉम आवर बुक। तो क्वेश्चन नंबर 4A डेरिवेटिव का ऑप्शन चैप्टर है, 4A वर्ड टू वर्ड सेम फ्रॉम आवर बुक, और ये आपका है डेरिवेटिव का ये पार्ट है, डेरिवेटिव में आपका ये कवर किया होगा, ऑप्शन चैप्टर में आपका ये कवर है, आप चाहें तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4A। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4B में, वर्ड टू वर्ड सेम, वर्ड टू वर्ड सेम क्वेश्चन 4B हम क्लास में करवाते हैं, क्या कहना है इस क्वेश्चन का, बहुत अच्छी क्वेरी भी आती है क्लास में, हम बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी इसमें बताते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस को इसको घुमा के भी समझाते हैं आपको। दिस इज अगेन वर्ड टू वर्ड सेम क्वेश्चन नंबर 4B, वर्ड टू वर्ड सेम आपका ये म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन है, और ये वर्ड टू वर्ड सेम है, तो आप देखिए ब्लेम नहीं कर सकते। और मैं आपको ये बता दूं, कहीं ना कहीं ये सब क्वेश्चंस पास्ट ईयर्स में भी आए हुए हैं, आरटीपी प्रैक्टिस मैनुअल में भी ये कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस होंगे, बट आप जब चीजों को नहीं पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। क्वेश्चन 5A वाज ट्रिकी क्वेश्चन, क्वेश्चन 5A वही कर सकता होगा जिसने मेरी क्लास की है, जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ चलता है, जिनको स्टॉक मार्केट डॉलर रुपीस बाई करना सेल करना हम सिखाते हैं, पूरे वर्ल्ड का हम इकोनॉमी आपको समझाते हैं, वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा। ये क्वेश्चन आपका एक तरह का फॉरेक्स का भी क्वेश्चन आप इसको मान सकते हैं, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको दिक्कत रहा होगा, या तो यहां इन्वेस्ट करो या तो वहां इन्वेस्ट करो, ये इस तरह के क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसने क्लास में प्रॉपरली चीजों को समझा है, ठीक है। बाकी चीज डिफिकल्ट नहीं है, आराम से ये भी क्वेश्चन हो जाएगा, वैसा कोई डिफिकल्टी की बात इतनी नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन 5A कॉन्सेप्ट कवर्ड इन क्लास बट नॉट वर्ड टू वर्ड सेम, कॉन्सेप्ट कवर्ड इन क्लास, ठीक है।
और ये आप फॉरेक्स का क्वेश्चन मान सकते हैं। फॉरेक्स का क्वेश्चन हर चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, आप कोई चैप्टर छोड़ नहीं सकते कि आपने फॉरेक्स छोड़ दिया या आपने पोर्टफोलियो छोड़ दिया, हर चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं। 5B में आते हैं, वेरी सिंपल, अगेन ये फॉरेक्स का सवाल है, कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज, ये तो हमने क्लास में किया ही, आपको ध्यान भी होगा, हम यहां से बोरो करके यहां इन्वेस्ट करते हैं, वहां से इन्वेस्ट करके वहां से बोरो करते हैं, ये डिट्टो क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है, तो देर इज नो पॉइंट कि हम इस पे आपको बात करवाएं, आपको नहीं मिला तो जरूर बताइएगा। वर्ड टू वर्ड सेम फॉरेक्स का क्वेश्चन है, और जो बच्चा फॉरेक्स करके नहीं गया होगा सोच लो उनका काफी नुकसान रहा होगा, हर चैप्टर करके जाना है फाइनल में, ठीक है। 5B, अब आते हैं 6A में, 6A अगेन वॉज नॉट वर्ड टू वर्ड सेम बट कॉन्सेप्ट अगेन वॉज कवर्ड इन वेरी सिंपल क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट वॉज डेफिनेटली मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो एंड मिनिमम एक्सचेंज रेशियो का कॉन्सेप्ट हमने कवर किया हुआ है, नॉट वर्ड टू वर्ड सेम बट कॉन्सेप्ट कवर्ड इन क्लास, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये कॉन्सेप्ट हमने स्पेशली हम करवाते थे मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो व्हेन पी रेशियो इज गिवन, बहुत बार आता नहीं था ये क्वेश्चन लेकिन हम हमेशा कॉन्सेप्ट करवाते थे, कॉन्सेप्ट कवर्ड इन क्लास, कॉन्सेप्ट कवर, इसके ऊपर हम क्वेश्चन नहीं किए थे लेकिन हमने कॉन्सेप्ट कवर कर लिया था, और डेफिनेटली मेरा स्टूडेंट जरूर इस पेपर में अच्छा किया होगा, आपको मैं रिजल्ट भी बताऊंगा, लास्ट लास्ट बार भी हुआ था 95-98 तक हमारे बच्चों का आया, 93 तक हमारे बच्चों का आया, हर बच्चों का अच्छा मार्क्स आया बिकॉज उनका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, और अगर वो लेटेस्ट चीजों में जा रहे हैं तो अगर पुरानी पुरानी क्लासेस आप देख रहे हैं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आ सकती है, तो कॉन्सेप्ट कवर्ड इन क्लास, और ये वाला चीज आप मर्जर एंड एक्विजिशन का है और बहुत ही आसान है ये, आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी ये क्वेश्चन, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराना चाहता बिकॉज इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। 6B, 6B डिट्टो फिगर टू फिगर राइट शेयर्स के ऊपर वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन हमने कवर क्लास में किया है, 6B वर्ड टू वर्ड सेम, वर्ड टू वर्ड सेम राइट शेयर, तो सब देखो इधर उधर के सारे चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं, कोई राइट शेयर्स नहीं करके गया होगा, कोई शेयर बायबैक करके नहीं गया होगा, कोई मिसलिनियस करके नहीं गया होगा, वर्ड टू वर्ड सेम है ये राइट शेयर, ठीक है। क्वेश्चन 7 थ्योरी, A to Z थ्योरी 100% वर्ड टू वर्ड सेम इन माई थ्योरी बुक, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 थ्योरी का है, बहुत सारे बच्चे थ्योरी छोड़ के जाते हैं, वर्ड टू वर्ड सेम फ्रॉम थ्योरी बुक, ठीक है, थ्योरी बुक से ये आया है, मल्टीपल चैप्टर से आया है, तो अब देखिए आप देख सकते हैं वर्ड टू वर्ड सेम वाले कितने क्वेश्चंस हैं और कॉन्सेप्ट कवर्ड इन क्लास वाले कितने क्वेश्चंस हैं। अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं मिला, अगर आपने मेरे मेटेरियल को किया है फॉलो, अगर आपने मेरी क्लासेस की है और अगर लेटेस्ट की है और अगर आपको नहीं मिला तो जरूर मुझे बताइएगा, आई विल अप्रिशिएट कि कोई मुझे बताए कि सर ये क्वेश्चन आपके मैट में नहीं था, ठीक है, कितना मार्क्स का था ये बता दीजिएगा, और ये भी बता दीजिएगा कितने मार्क्स का था, चलो 90 नंबर का था ना, चलो 80 नंबर का था, 80 नंबर तो आप लेके आओगे, इसका मतलब 120 नंबर का पेपर में आप 20 नंबर का नहीं होगा, 25 नंबर का नहीं होगा, वर्ड टू वर्ड, आप, मैं तो कह रहा हूं वर्ड टू वर्ड सेम है, कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट सेम है, बट आप कितना मार्क्स का कह सकते हैं, 20 25 30 मार्क्स का, 90 नंबर तो फिर भी आपके हाथ में है, 90 नंबर तो आप लेकर आइए, आप SFM के भरोसे आपका पूरा ग्रुप क्लियर हो सकता है अगर आप सीरियसली सब्जेक्ट को लेना शुरू कर दे तो, अभी भी वक्त दूर नहीं है, ओल्ड सिलेबस है तो क्या हुआ, आपको अभी भी अपने सिलेबस को अप टू डेट करना पड़ेगा, तो जिनको भी और कुछ एनालिसिस चाहिए, थ्योरी बुक चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, ओल्ड सिलेबस में अगर आप हैं और आपको इन सारी चीजें को आपको क्लासेस करनी है, पेन ड्राइव है, सेंटर्स का बात है, या फिर फेस टू फेस क्लास है, जो भी चीज़ है आप मुझे इसमें में आप डेफिनेटली मुझे मेल करें और मैं आप लोगों को अकॉर्डिंगली जो भी ऑप्शंस होगा हमारे पास हमारे एंड में मैं आपको देना चाहूँगा, ठीक है। और अच्छा करें, ओल्ड सिलेबस अभी भी कुछ अटेम्प्ट बाकी हैं, आप अच्छा कर सकते हैं ओल्ड सिलेबस में, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट फॉलो करना पड़ेगा, प्रॉपर आपको एक अप्रोच लेकर चलना पड़ेगा, ओल्ड सिलेबस में ये मत सोचिए कि अपडेशन नहीं हो रहा है, अपडेशन बिल्कुल हो रहा है, मैंने आपको प्रूव करके दिखाया, आप वेबसाइट देख सकते हैं ICAI.org का, आप बिल्कुल देख सकते हैं और आप देखिए अपडेशन अभी भी हो रहा है, आज भी अपडेशन हुआ है, ठीक है, फाइन। और मैं चाहूंगा कि आप हमारे सारे ग्रुप्स को ज्वाइन करें, और आप एक अगर आप ओल्ड सिलेबस में हैं तो ओल्ड सिलेबस का आप एक ग्रुप ज्वाइन कर लें, तो कोई भी इंपॉर्टेंट हमारे तरफ से जाता है तो हम आपको उसमें आपको मैनेज कर सकते हैं, तो आप ओल्ड सिलेबस ग्रुप का लिंक भी आप मान सकते हैं, मेल करिए आप old SFM एग्जाम आपको देखना है या आप दे चुके हैं, उसका ग्रुप आप लिंक मुझसे मंगवाइएगा,
मैं आपको ग्रुप लिंक दे दूंगा, आप उसमें ज्वाइन हो जाइए। तो कोई भी हमारे तरफ से ओल्ड सिलेबस में कोई अपडेशन आता तो जरूर हम आपको देते हैं, जो अमेंडमेंट्स आता जरूर हम आपको देते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आप सबसे बेहतर ये बता सकते हैं। मैंने ये एनालिसिस किया आपके लिए, इसी पेपर में बच्चों को 100 में 100 आया है, ओल्ड सिलेबस एसएफएम में बच्चों को 100 out of 100 आया है, ऑल इंडिया रैंक वन आया है, तो आपको नहीं आएगा ऐसा कोई सोचना ही गलत है। आपने अगर मेहनत की है, आपने सारी चीज़ें देखी हैं, तो आपको डेफिनेटली अच्छा मार्क्स आएगा। और जहाँ जहाँ मैंने अगर आपको बोला है और आपको लगता है मैं आप मुझसे कंट्रडिक्ट करते हैं, तो आप मुझे मेल करिए और डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन नंबर आपके बुक में कहाँ मिलेगा। और आप ये भी बता दीजिएगा कितना नंबर का क्वेश्चन मेरे बुक से नहीं आया है। मान लो 20 नंबर का आप कहेंगे, 30 नंबर का कहेंगे, मैं कहूंगा 90 नंबर तो फिर आप लेकर आ रहे हो ना, 90 नंबर भी तो वर्ड टू वर्ड सेम निकला। तो देखिए आपको अपने ऊपर ब्लेम लेना है, आपको अच्छा तैयारी करना है और आगे बढ़ना है इसी ब्यूटीफुल थॉट के साथ कि आप अपने लिए अपनी खुद जिम्मेदारी लोगे, आगे बढ़ोगे। हम लोग आपको पूरा गाइड करने के लिए रेडी हैं। आपके पास कोई क्वेरी है तो जरूर मुझसे पूछिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी वेरी मच। और आप ओल्ड सिलेबस का जो ग्रुप लिंक है उसमें आप मुझे व्हाट्सएप भी करके मंगवा सकते हैं, 444-2626। ठीक है, मैं आपको नंबर दे देता हूं, आप लिख लीजिए 9911-44-2626 में आप व्हाट्सएप करके भी आप मुझसे ओल्ड एसएफएम सिलेबस का ग्रुप लिंक भी मंगवा सकते हैं। अगर आपके आगे एग्जाम्स आने वाले हैं तो आप ग्रुप में आप ज्वाइन कर लीजिए और जो भी होगा बेटर हमारे तरफ से, कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह होगी तो हम आपको अकॉर्डिंगली प्रोवाइड कर देंगे। तो फाइनली साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच। बैच ये शुरू हुआ था तो डेफिनेटली सो मेनी गुड न्यूज वेयर देयर, हमारे बच्चों का 100 में 100 आया, हमारे बच्चों का रैंक आया, रैंक 1 आया, रैंक 3 आया, रैंक 20 आया। तो उस पॉजिटिविटी से हमारी क्लास शुरू हुई। क्लास का यही मकसद था कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ाना है, पूरे चीजों को कवर करवाना है और एक भी चीज मिस नहीं करना है। आई थिंक वो मौका आपने हमें दिया है हर चीज को पढ़ाने का, हर चीज को समझाने का, हर चीज को प्रैक्टिकली लिंक करने का, चाहे वो डेरिवेटिव क्यों ना हो, चाहे वो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट क्यों ना हो, चाहे वो कॉल बायर बनना क्यों ना हो, चाहे वो इलाहाबाद बैंक का कॉल बायर पोजीशन क्यों ना हो, चाहे वो विप्रो का पुट बायर पोजीशन क्यों ना हो, हमने हर चीज को अकॉर्डिंगली प्रैक्टिकली लिंक किया है। साथ साथ हमने आपको मोटिवेट किया कि आप डीमैट अकाउंट खुलवाइए और एटलीस्ट 500 रुपीज इन्वेस्ट करने के लिए तैयार रहिए। आई थिंक इतना भी अगर हमारा सीए का बच्चा कर लेता है तो आप सही मानिए मंजिल दूर नहीं है। वो कहते हैं ना कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो ये बैच मेरे लिए एक मेमोरेबल बैच रहेगा। इस बैच में आपने मुझे पूरा मौका दिया है डिटेल में पढ़ाने का, प्रैक्टिकली पढ़ाने का और हर चीज को लिखवाने का। हर चीज हिंदी में मैंने लिखवाया है, हर चीज का कॉन्सेप्ट बना के करवाया है, हर क्वेश्चन होमवर्क के मैंने आपको क्लास में करवाया है। ठीक है, मैंने बहुत ज्यादा बर्डन नहीं दिया आप लोगों को, अननेसेसरी जो बर्डन लोगों को अदर क्लासेस में मिलते हैं वो बर्डन हमारी क्लास में नहीं थी। एक रिलैक्सिंग वे में हमने कॉन्सेप्ट को डिराइव किया और कॉन्सेप्ट को समझा। मैं इस बैच में उम्मीद रख रहा हूँ कि सारे बच्चे रैंक होल्डर बने और सारे बच्चे 100 में 100 लेकर आए। फाइनल के अंदर सर से बेटर कोई हो नहीं सकते। एसएफएम ऐसा सब्जेक्ट, इतना टफ सब्जेक्ट जो स्टार्टिंग से लगा कि कैसे होगा कैसे होगा, इतने अच्छे सर ने पढ़ाया कि अब वो भी बहुत इजी लग रहा है। तो इन शॉर्ट सब कुछ कहूं, हिंस एसएफएम, हिंस आदित्य देन सर। आपको कोशिश करते रहना है जिंदगी में, इससे पीछे नहीं हटना, क्योंकि बहुत सारे कोशिशों के बाद आप सक्सेस आपको मिलेगा, आपको पहली ही ट्राई में सक्सेस नहीं मिलेगा, ये हमेशा ध्यान रखना। सर ने मुझे मेरे प्यार से मिलवाया।
फाइनेंस का भूत मुझ पर चढ़वाया, एडलवाइस में मेरा अकाउंट खुलवाया और मुझे कंपनीज का शेयर होल्डर बनाया। अब दिन भर इन्वेस्ट करता हूँ अमाउंट और हमें जो मिलेगा हम जैसे अभी हम लोगों को आपने पढ़ाया, आगे जाके और लोगों के भी जो और भी फाइनल के स्टूडेंट होंगे उन सबको भी ऐसे ही ज्ञान देते रहना। जो आगे बढ़ता है वही आगे बढ़ता है, पीछे नहीं मुड़ के देखना है, हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग आपको रहना है। फॉरवर्ड एवर, बैकवर्ड नेवर। लाइफ में कभी भी कोई तकलीफ ना आए, हमेशा आपको एक सुनहरा मौका मिले, जिंदगी में आगे बढ़ने का अपॉर्चुनिटी मिले। आप हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि एक्चुअल में एंड ऑफ द डे में आपकी मुस्कुराहट ही आपको आगे लेकर जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी वेरी।